दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की गवर्नर हाउस आमद, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात हुई। अहम कौमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की गवर्नर हाउस आमद, गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब मोहम्मद चौधरी सरवर से मुलाकात हुई और इस होने वाली मुलाकात में अहम कौमी और सियासी अमूर ज़ेर गौर रहे और इन अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असेंबली की गवर्नर हाउस में आमद है और इसी पर बात करते हैं आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, बताइएगा मुलाकात का अहवाल, किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? जी, जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर गवर्नर हाउस पहुंचे हैं और यहाँ से उन्होंने मुलाकात की है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से, जिसमें कौमी और सियासी अमूर के ऊपर जो तबादला ख्याल है वो भी किया गया है। मुल्की जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है। चेयरमैन सेनेट और जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं असद कैसर और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, ये बेगम कुलसूम नवाज के नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे और ये जाती उमरा भी पहुंचेंगे शाम 5 बजे के करीब, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानब से एक आला सतह का जो वक्त था उसमें शिरकत करनी थी बेगम कुलसूम नवाज के जनाजे के हवाले से, तो उससे पहले जो मेल मुलाकातें हैं वो भी जारी हैं, क्योंकि कुछ देर कबल ही असद कैसर जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनकी मुलाकात बिरला पंजाब से भी हुई है और गवर्नर पंजाब से उनकी मुलाकात जो है वो भी हुई है, और जिसमें जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की और जो वज़ीर आज़म इमरान खान का प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से और जो पॉलिसियां हैं सेनेट में और कौमी असम्बली में उनको ज़ेर बहस लाने के हवाले से जो ख्याल है वो भी किया जा रहा है। इस मौके पर यह भी बताया गया है कि जो अहम इशूज हैं उनको कौमी असम्बली के ऐवान में ज़ेर बहस लाया जाएगा और सेनेट से जो आम आवाम के जो मुफाद में है जो तरजीहत है पाकिस्तान तरीके साथ की उनके जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आकिब तनवीर, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।